सो हे गाइस, आज हमारे पास में Realme 10 Pro और इसके में 50 प्लस आपको हिडन फीचर्स एंड स्पेशल फीचर्स बताने वाला हूँ। यदि आपने न्यू फोन परचेस किया है Realme 10 Pro तो आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। शुरू से लेकर एंड तक देखना बिना स्किप करे। और गाइस, अभी ये आपको कैमरे में लाइट देखने को मिल रही है, मैं आगे आपको बताऊंगा आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और गाइस, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फर्स्ट फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आप ऐप ड्राइवर में जाते हैं अपने फोन में और इतना गंदा आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलता है। बहुत सारे आपको यहाँ पर एड्स देखने को मिलते हैं, एप्लीकेशन वगैरह को एक ऑप्शन मिल जाता है मैनेज वाला। यहाँ पर आपको जितने भी ऑप्शन मिल रहे हैं इनको सारे को डिसेबल कर देना है। अब डिसेबल करने के बाद में आपका जो फोन है वो पूरा नीट एंड क्लीन हो जाएगा, एड्स वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। अगली फीचर्स की बात करें तो गाइस, यहाँ पर आप देखेंगे आप रिसेंट्स में यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं आप, और आप एप्लीकेशन ओपन करके रखा है आपने और इनको आप हाइड करना चाहते हैं तो ऊपर साइड में आपको एक ऑप्शन मिलता है थ्री डॉट वाला, ऊपर साइड में आप देख सकते हैं। आप जैसे थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं तो आपको एक हाइड वाला एक ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप यहां पर हाइड कर देते हैं तो ये एप्लीकेशन आपको नहीं दिखेगा, मतलब कि आपको रिसेंट मेन्यू में ये एप्लीकेशन नहीं दिखने वाला है। अब गाइस, यदि आप अपने फोन में स्क्रीनशॉट लेते हैं तो यहां से आप स्क्रोलिंग करते जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा लंबी स्क्रीनशॉट निकल जाती है। अगली फीचर्स की बात करें तो गाइस, ऐप लॉक करके एक आपको ऑप्शन मिल जाता है, अपने सेटिंग में जाना है आपको इसके लिए। और आपको सेटिंग में जाने के बाद में यहां पर आप देखेंगे नीचे आपको प्राइवेसी का ऑप्शन मिल जाता है और प्राइवेसी पर आप जाएंगे। ऐप लॉक पर जाने के बाद में यहाँ पर आप ऐप लॉक को इनेबल बस कर दीजिएगा और यहाँ से आपको पासवर्ड डालना है, आपको जो भी पासवर्ड डालना है डाल दीजिएगा। अब इसी के साथ में आपको हाइड ऐप का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, यदि आप किसी एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हैं सामने आप ड्राइवर में या होम स्क्रीन में आप एप्लीकेशन को नहीं दिखाना चाहते तो आप एप्लीकेशन को हाइड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है प्राइवेट सेव वाला, ये भी काफी कमाल का है। यदि आप कोई वीडियो को आप प्राइवेट सेव में रखना चाहते हैं, कोई फोटो वगैरह को प्राइवेट सेव में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको काफी कमाल का एक और फीचर्स मिलता है नोटिफिकेशन हिस्ट्री वाला। जैसे कि आपको कोई बहुत सारी नोटिफिकेशन आती हैं और आप एक साथ उनको हटा देते हो, अब आपको लगता है कि कोई नोटिफिकेशन आपके काम की थी और आपको देखना है। अब गाइस, इसके लिए आपको सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद में आप यहां देखेंगे नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, इसमें क्लिक कर लेते हैं तो आपको मोर सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री को यहाँ पर इनेबल कर लेना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके जो भी नोटिफिकेशन आपने हटाया है तो यहाँ पर वो सारी की सारी मिल जाएंगी। अब जैसे कोई आपकी व्हाट्सएप में डिलीट कर देता है मैसेज वगैरह, एवरीवन डिलीट कर देता है, तो आप वो वाली मैसेज भी आप नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आके देख सकते हो। अगले फीचर्स की बात करें तो गाइस, यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन जो नोटिफिकेशन आती रहती है और आपका फोन इनेबल हो जाता है और बहुत गंदा सा लगता है तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में आना है। लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन वाला, इसमें आप क्लिक कर लीजिएगा, आप इसे डिसेबल कर देते हैं तो आपका जो कोई नोटिफिकेशन आती है तो वो स्क्रीन चालू नहीं होने वाली है। अब गाइस, यहाँ पर आप देखेंगे आप अपना फोन लॉक रहता है और आपको यहाँ पर ड्रॉवर निकल के आ जाता है। अब इसे आपको डिसेबल करना है तो आपको लॉक स्क्रीन स्टेटस बार में ही जाना है, उसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्वाइप डाउन वाला, आप इसे डिसेबल कर देते हैं तो अब आपका फोन लॉक स्क्रीन में रहेगा तो ये ऊपर से कोई ड्रॉवर निकल के नहीं आने वाला है, स्टेटस बार बस दिखेगा यहाँ से, बस वो जो नोटिफिकेशन वगैरह और जो ड्रॉवर निकल के आता था वो निकल के नहीं आने वाला है। गाइस, अगले फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको नेटवर्क स्पीड को दिखाना है, ऊपर साइड में आपके जो रियल टाइम स्पीड होती उसे इनेबल करना है तो आपको नोटिफिकेशन स्टेटस बार में आना है। रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को इनेबल कर देते हैं तो ऊपर साइड में आप देखेंगे कि आपके जो केबी में स्पीड आ रही है वो यहां से आप चेक कर सकते हैं। अब गाइस, इसी के साथ में आप ऊपर साइड में परसेंटेज दिखाना चाहते हैं बैटरी का या नहीं दिखाना चाहते हैं वो भी आप यहां से आइकन वगैरह सेट कर सकते हैं, और आप स्टाइल वगैरह भी सेट करना चाहते हैं तो यहीं पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आपका हॉरिजॉन्टल में करना है या फिर राउंड में करना है तो यहां से आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं बैटरी परसेंटेज की या बैटरी स्टाइल की। अब गाइस, यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है आपको नोटिफिकेशन आइकन वाला, जैसे कि ऊपर साइड में बहुत सारी नोटिफिकेशन आती रहती हैं, अब आपको इन्हें को डिसेबल करना है या नंबर में करना चाहते हैं तो आप यहीं से कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर साइड में नंबर दिखने लगा है अभी। सो गाइस, नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो गाइस, यहाँ पर आपका फोन चालू हो और आप अपने फोन में डबल टैप करते हैं तो आपका फोन लॉक स्क्रीन में चला जाता है। अब इसे आपको इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पर जाना है अपने पिंच आउट करके और मोर सेटिंग मिल जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं डुअल टैप टू लॉक वाला, अब ऐसे क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ से आप इनको दोनों को चालू कर लीजिएगा। अब गाइस, यहाँ पर लॉक स्क्रीन में एक और फीचर्स मिलता है, को अलग अलग वॉलपेपर मिलेंगे, आप अलग अलग बार अपने फोन को लॉक करते हैं अनलॉक करते हैं तो आपको लॉक स्क्रीन में अलग अलग वॉलपेपर देखने को मिलेगा। फोन के सेटिंग में जाना है या फिर पिंच आउट कर सकते हैं, मोर सेटिंग में जाएंगे आप तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्लेंस फॉर रियलमी लिखा हुआ है, आप इसे टर्न ऑन और टर्न ऑफ भी कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने हिसाब से
से चूज कर लेना। अब गाइस नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो ऊपर साइड में आपको रियलमी सेल्फ का एक ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप ऊपर साइड से स्वाइप डाउन करते हैं अपने फोन की स्क्रीन से तो ये कुछ इस तरह से निकल के आ जाता है। अब गाइस इसे आप डिसेबल करना चाहते हैं तो पिंच आउट करिएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन लिखा हुआ है, आप इसे डिसेबल कर देंगे तो ऊपर साइड से यहाँ पर कोई भी सेल वगैरह निकल के नहीं आने वाला है, सिर्फ ये नोटिफिकेशन निकल के आएगा। कलर आईडी अनाउंसमेंट का एक ऑप्शन मिल जाता है, मतलब कि कोई आपके पास में फ्रॉड कॉल आ रहा है या फिर आपने नंबर सेव नहीं किया है तो वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा। अब इसे इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पर अपने डायलर पे जाना है। डायलर पे जाने के बाद में ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करिएगा, यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे साइड यहाँ आप जाएंगे तो कलर आईडी अनाउंसमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, ऊपर साइड में ये पहले से नेवर रहेगा। अब इसे आप ऑलवेज भी कर सकते हैं या फिर आप ओनली व्हेन यूजिंग अ हेडफोन कर सकते हैं। गाइस अगली फीचर्स की बात करें तो फ्लिप टू साइलेंस वाला एक ऑप्शन मिल जाता है आपको, जैसे कि कोई साइलेंट में नहीं है आपका फोन और कोई रिंगटोन बज गई है, आप कॉलेज में या फिर कहीं मीटिंग में या कहीं पर भी हैं और एकदम से फोन आ जाता है तो आप अपने फोन को फ्लिप करेंगे तो ये फोन आपका साइलेंट मोड में चले जाएगा। अब अगले फीचर्स के लिए गाइस यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कलर आईडी वाला है देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ये सिर्फ स्पैम कॉल है या फिर कंपनी की कॉल है वो पहले से आपकी बता देगा, यहाँ से आप इसे इनेबल बस कर लीजिएगा। अगले फीचर्स की बात करें तो स्क्रीन रिफ्रेश रेट वाला आपको एक ऑप्शन मिलता है, जिससे कि आप इस रिफ्रेश रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से आप हाईएस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पहले से आपको ये ऑटो में रहेगा, आप इसे हाई कर लेते हैं तो 120 हर्ट्ज से रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। अब गाइस इसके बाद में आपको नेक्स्ट फीचर्स मिलता है कलर एनहेंस वाला, मतलब कि वीडियो कलर एनहेंस वाला, जैसे कि आप कोई वीडियो वगैरह वॉचिंग कर रहे हैं स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, इसके लिए आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ पर आपको वीडियो कलर एनहेंस वाला ऑप्शन मिल जाता है। आप इसमें जैसे कि देख सकते हैं यहाँ से इतना डिफरेंसेस मिल जाता है आपको, इसे इनेबल बस कर लेना है आपको। अब यहाँ पर इतना ज्यादा आपको एनहेंस मिल जाएगा वीडियो वगैरह में।